सो गाइज अभी बज रहा है 8 और हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सो यहाँ पे एक टेंपल मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर पे जी रहता है। सो थोड़ा रास्ता अटपटा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी ये है बाबा जी का मंदिर और ये है बाबा जी के भक्त और बाबा काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। सो डोंट टेक माय फोटो विदाउट परमिशन। नहीं नहीं बाबा, बाबा की नहीं, अपनी मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आप जा रहे हो ऊपर, तो उसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे भोले के दर्शन करने जा रहे हो। भोले क्या है, भोले की क्या डेफिनेशन है? भोले की कालों का अजर अमर है जिसको देख नहीं सकते हो। जिसको देख सकते हैं, अजर अमर तो है ही, वो इसीलिए तो देख सकते हो। तो फिर उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई जीते जी, जिसने देख लिया। बाबा ये तो फिर आप नहीं नहीं, ए टू जेड में सब में भोले है। वो तो हर इंसान, हर आदमी के भोले, हर आदमी के उसमें भोले। गलत है आपका, इसी नाम नहीं नहीं मत करो यार, बाबा जी को जो पसंद नहीं, 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 जा रहे हो ना, सिविलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट सिविलाइजेशन होना, सिविलाइजेशन होना अपने आप के लिए हानिकारक है। आज हमारा देश दुखी क्यों है? यंग ब्लड जो है सब आउट ऑफ सेंस है, या ऑब्वियसली आउट ऑफ सेंस, क्योंकि वो हवा वायु युवा एंड वायु वायु वो वाई के देख पर चल रहा है, उस पर लगाम नहीं है। तो इसलिए आप क्यों जाते हैं कि लगाम हमारे हाथ पर रहे, अपनी जो ये है अभी एज है, तन मन ना भटके हमारा, तन मन चंचल ना हो। तो चंचल कैसे नहीं होगा, तो चंचल है बहुत ज्यादा। हमने वहाँ पे जाके योग करना है, या योग का मतलब क्या है, योग क्या शांति है? शांति की खोज में चल रहे हैं बाबा। खोज शांति कहाँ है, कहाँ नहीं है शांति, खोजना कहाँ है, मन में है शांति। हमने वहाँ शांति की प्राप्ति कर ली, शांति की प्राप्ति, बहुत अच्छा लगा। अरे वो अच्छा अच्छी बात है, जाना चाहिए। हिमालय पर्वत देखने, बाबा जी देखो कितने बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं वहाँ से। और शांति के लिए एकांत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रोड में बैठ के शांति प्राप्त कर सकते हैं आप, कुछ घर बैठ के। तो सर ध्यान भटक जाएगा ना बाबा जी, हमारा वही वहाँ हम गाड़ी का मिला के बाद अपने इंद्रियों पे काबू, कंट्रोल कंट्रोल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अरे हो सकती तो, अरे महापुरुष पागल क्यों होता, क्यों भटक रहा है? वो मनुष्य से मनुष्य बने जा रहा है, आप उसको समझ सकते हो, आप काबू नहीं कर सकते। आप सेक्स को काबू कर सकते हैं? आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं उसको, वो क्या है मतलब, है ना? आप ईगो को काबू कर सकते हैं? ईगो नहीं होता तो आप ये सब करते ही नहीं है, ये डिपेंड ऑन द ईगो। बाबा बाबा जो बाबा लोग होते हैं उनका ऐसे शहरों से दूर। अच्छा सबसे पहले पानी पिलाएं आपको? नहीं बाबा धन्यवाद आपका हमारे पे। नहीं नहीं बाबा जी, काली वाली बढ़िया चाय। नहीं बाबा जी सब ठीक, क्या कह रहे हैं बड़ी कृपा। क्या मैंने कहा कि जैसे हमारे सन्यासी जो होते हैं ना, तो वो शहरों से दूर, भीड़ भड़ाके से दूर, हिमालय की गुफा में, ओनली फॉर एनालाइज। आप अपने को क्या स्वाध्याय समझना है, स्वाध्याय करते हैं। आपके विचार तरंग जो हिमालय का दिव्य क्षेत्र आपको दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, वो आपके अंदर फ्रीक्वेंसी भेजती है एनर्जी। क्या करते हो, एक एनर्जी लेते हो अकेले में, अकेले में रहने से कोई फायदा नहीं है। मन पागल है तो क्या करोगे, पगला जाओगे? बहुत सारे बाबा केदारनाथ बद्री में परमिशन लेके रहते हैं 6 महीने, बाद में पागल मिलते हैं, वहाँ आधा विक्षिप्त हो जाते हैं, वहाँ मन इतना बिग्र हो जाता है कि मेरे पास ये होता वो होता, रेडी होता बाजा होता, कोई सेवक होती, कोई कुछ होता, खाने को चीनी नहीं है, दाल नहीं है, पागल हो जाता है। उसका कारण यही होता है। आपको खाली समझना है जीवन क्या है, उसकी डेफिनेशन को समझना है, जवानी क्या है, ये हाथ आज जो गया वो कल नहीं आने वाला है। सही बात, इसलिए उसको समझना है, सबको प्रेम करना है, सब है भोले। ये पेड़ है, बिल्कुल, ये क्या है, कल्प वृक्ष है, 10 पुत्रों समो वृक्ष, 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ है, हमारा पितर है वो, क्या पता अगले जन्म हमारा इसमें हो जाए। तो हमें हर चीज को प्रेम करना है, ए टू जेड, अपने कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, चश्मे से लेके, जैकेट से लेके, पेड़ पौधे ये वो, रास्ते में हम जा रहे बिल्कुल तमीज से जाए, हर चीज को परमात्मा का समझे, हर चीज को, हर चीज भोले में है, भोले सब में है, असल भाव लेके चले तो आपको तब शांति एंड तब एक ऊर्जा मिलेगी आपको। मतलब भोले अनंत है, अनंत है, सर्वत्र है, हे परमादि अनंत है, विश्व प्रकाश आकारा, वो कहाँ नहीं है, आपके चश्मे में भी है, वो टोपी में भी है, वो आपकी जैकेट में, वो सब में, हमारे रोम रोम में है।
नाराज नहीं होना। बहुत अच्छा पाठ सिखाया हमको, चुपचाप सुन रहा था मैं, बोल रहा हूँ कुछ चीजें होती हैं हमसे गलतियाँ हो जाती है, जीवन फलत नहीं है और बाबा मनुष्य है, थोड़ा बहुत गलती नहीं नहीं गलती नहीं हो रही है, ये सब नहीं किए हमने भी किए, हम भक्त तो रहे हैं, हमने आपसे ज्यादा किए, बसरते क्या है थोड़ा सा आपको एज के हिसाब से समझना होता है, और यहाँ जाने का मतलब कहीं भी जाने का मतलब होता है हम समझ को बढ़ाए, अपने अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा विकसित करें। बाबा जी, यहाँ आपका खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना दोस्त हमारा अभी तो चालू हो गया वैसे ही, जब से हम एक कुटिया का निर्माण कर रहे हैं छोटा मोटा। अच्छा अच्छा जी। तो वैसे तो भट एंड गेहूँ मैं ज्यादा यूज करता हूँ, और चने वने ज्यादा, चने तो थोड़ा गैस करते हैं, बाकी ये गेहूँ भिगा के या वैसे करते थे, अभी खाना भी बन रहा है। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे रात का मौसम कभी गड़बड़ा? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इमेजिंग है, बहुत ही आनंददायक है। कल बारिश हुई यहाँ दबा के? दबा के नहीं होती है यहाँ पर बारिश, हुई तो रोना है, दबा के होती तो थोड़ा आपको हरा भरा दिखता है इधर। सही बात है। तो पानी की थोड़ी दिक्कत है, नीचे से लाते हैं किमतोली से। अच्छा, ऊपर पानी की क्या व्यवस्था है? ऊपर तो काफी पानी है, बाबा जी यहाँ आसपास आपके लिए पानी की व्यवस्था के लिए गधेरा गुधेरा नहीं है? वही कह रहा हूँ, किमतोली है, नीचे जाना पड़ता है, वो बड़ा दूर है। दूर मींस नहीं, वो भी एक साधना है। हाँ ये भी है, शरीर तब भी थोड़ा और एक्सरसाइज। तो बाबा जी आपका जन्म स्थान? रानीखेत कुमाऊं। ये भी तो मस्त जगह है रानी, बाबा रानीखेत कुमाऊं से और घाटियों से। ये देखिए आपने, बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, घाटियों के बाबा जी हैं, ये भी सब कुछ छोड़ के बाबा जी आके। कितना दूर है? 1.5 घंटा लगेगा अभी, और 1.5 घंटा। लेट्स गो, कम ऑन बॉयज, चलो चले। तो बाबा जी काफी अच्छे से अपनी कुटिया वगैरह बना रहे हैं, और आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे बाबा जी अपने लिए फल और सब्जी वगैरह सब कुछ उगा रहे हैं, और यहाँ पे बराबर बाबा जी ने ये कैरियां वगैरह पॉलिथीन बैग में फ्लावर्स एंड जो भी है सब कुछ बाबा जी ने अभी उगा रहे हैं। अभी बोला 2 साल हुए हैं मेरे को यहाँ पे, तो कुटिया भी धीरे धीरे बना रहे हैं। तो बाबा जी कुमाऊं से हैं बोला, ये कुटिया बननी इनकी कुमाऊं से है बोला, तो काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया बाबा जी ने, और काफ़ी अच्छा लगा बाबा जी से मिलके। सो गाइस लेट्स गो फ्रॉम हेयर, ठीक है बाबा जी, ठीक ठीक है सर, चलो जाओ। सो गाइस अभी गांव की औरतें मिले हमको, तो ये अभी जंगल जा रहे हैं घास को। जंगल जा रहे हैं, पशुपालन में खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा क्या करें? अच्छा काय के लिए जा रहे हो आप? बांस के लिए। अच्छा बांस के लिए, तो ये मतलब चलो तुम चलो, तो ये मतलब पशुओं के लिए, तो ये मतलब एनिमल्स के लिए, मतलब जो घास घूस होता है उसको काटने जा रहे हैं, और रिंगाल लेने जा रहे हैं, उससे सोल्टी बनाते हैं। तो अभी हमको बहुत सारे जने मिल गए हैं, बहुत सारे, तो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, काफ़ी मज़ा आ रहा है जाने में, काफ़ी सारे लोग हैं। कंपनी ज्वाइन कर लिया या कुछ लोगों ने हमारे साथ कंपनी ज्वाइन कर ली, तो बहुत सही हो रहा है, तो काफ़ी इंजॉय हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और वेदर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे कि इधर को तो बादल लग गए हैं, आगे पता नहीं कौन कौन से गाँव हैं, पता नहीं मेरे को भी, तो यहाँ पर वेदर चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा है मौसम। और हम काफ़ी सारे लोग हो गए, 20-25 लोग हो गए, तो चलने में लग नहीं रहा है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी अकेला हूँ मैं, कुछ आगे चले गए कुछ पीछे हैं, सो स्लोली चल रहे हैं, और मौसम भी चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं, सो काफ़ी अच्छा, पहली बार आ रहा हूँ इतनी दूर, और पहली बार इतना चल रहा हूँ, तो काफ़ी सही लग रहा है, अच्छा अच्छा व्यूज़ देखने को मिल रहा है, और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। साथ में म्यूजिक सिस्टम है, तो पूरे रास्ते म्यूजिक बजा के, गाना बजा के चल रहे हैं। सो गाइस आगे मिलते हैं।